माय यूट्यूब चैनल द बायोसाइंस अरीना। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का ये आज दूसरा वीडियो है, जिसमें पहले वीडियो में हमने पढ़ा लाइफ साइंस के बारे में, रिप्रोडक्शन क्या होता है इस बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े, सेक्सुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफ्रेंशिएशन पढ़े और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ हमने टाइप्स भी देखे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और तीसरा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के वीडियो का ये है समरी। तो हम आते हैं अपने वीडियो के पहले टॉपिक यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली प्लांट्स में होता है, मल्टीसेलुलर प्लांट्स में होता है और इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। ये होता क्या है, प्लांट के किसी भी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म का रिप्रोड्यूस होना इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप वो जो प्लांट का पार्ट है कुछ भी हो सकता है, रनर, राइजोम, एडवेंटिशियस रूट्स, बल्ब, आइज एक्सेट्रा, और इन्हीं पार्ट को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। अब जैसे एग्जाम्पल है पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो में आइज वर्क करती हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल की तरह। जैसे कि पोटैटो है उसमें आई लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जनरली आपने देखे भी होंगे प्लांट पोटैटो में, तो इन्हीं से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। अब अगली बात करते हैं हम ब्रायोफिलम की। ब्रायोफिलम में बर्ड्स होती हैं जिन्हें हम लीफ बर्ड्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रायोफिलम के लीफ पे ये बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ब्रायोफिलम की लीव्स पर ये जो बर्ड्स होती हैं ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स की तरह वर्क करती है और इसी से ही न्यू प्लांट का जनरेशन हो जाता है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है जैसे कि जिंजर। जिंजर में क्या होता है, राइजोम निकले हुए होते हैं, राइजोम में एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं और उनसे न्यू प्लांट का जनरेशन हो जाता है। जैसे कि अगेव है, अगेव में बल्ब होते हैं। एक और प्लांट है वाटर हाइक जिसमें ऑफसेट्स होती हैं, तो उससे न्यू प्लांट का जनरेशन होता है। तो वाटर हाइक की अपनी अलग ही एक स्टोरी। वाटर हाइक को हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं और ये वाटर बॉडीज जैसे कि लेक्स और रिवर में ग्रो करता है। अब ये जो टेरर ऑफ बंगाल है ये वाटर में इतनी जल्दी ग्रो करता है, इतने बड़े एरिया पे ग्रो करता है कि इसको जो इसका जो न्यूट्रिशन है वो भी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। जैसे कि इसको ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होती है और वो जो ऑक्सीजन है वो वाटर से वो लेता है, जिसकी वजह से उस पानी में, उस वाटर बॉडी में जो एक्वेटिक लाइफ है उनको ऑक्सीजन सफिशेंट अमाउंट में नहीं मिल पाती है, जिनकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए इस प्लांट को, वाटर हाइक को, टेरर ऑफ बंगाल कहा गया है। अब क्योंकि ये इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों हुआ है, क्योंकि इस पे वाइट और पर्पल कलर के फ्लावर लगते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव फ्लावर्स होते हैं, तो इस वजह से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस भी कराया गया है। जैसे कि कुछ प्लांट्स हैं पोटैटो, जिंजर, बनाना, डहेलिया, तो ये सब रिप्रोड्यूस कैसे होती है, ये इसी मेथड से होती है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से ही रिप्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इनके जो स्टेम्स होते हैं वो इतने कैपेबल होते हैं कि न्यू प्लांट को रिजनरेट कर सके। एडवेंटेशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं इनकी स्टेम्स पे, जिसकी वजह से न्यू प्लांट को ये रिजनरेट कर पाते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता, तो इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसिडर करा जाता है। अब एल्गी और फंजाई जो होती हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं। कैसे? जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता कि जिस कंडीशन में वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकें, तो सर्वाइव करने के लिए वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है। तो अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होता है, जनरली सीड के जर्मिनेशन से लेके, अगर हम बात करें प्लांट्स की तो प्लांट्स में जनरली क्या होता है, सीड के जर्मिनेशन से लेके जब तक उस पर फ्लावरिंग ना आ जाए, तो जब तक का जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। अब वो जो वेजिटेटिव फेज होता है वो हर प्लांट्स में अलग अलग होता है।
कहने का मतलब ये कि फ्लावरिंग आने का जो टाइम होता है हर प्लांट्स का अलग अलग होता है, जैसे कि मैरीगोल्ड, राइस और वीट, इनका जो फ्लावरिंग आने का टाइम है वो जर्मिनेशन के बाद वो है 3 से 6 मंथ। यानी कि मैरीगोल्ड, राइस और वीट में जब प्लांटिंग शुरू होती है तो उसके 3 से 6 महीने बाद उस पर फ्लावरिंग आने शुरू हो जाते हैं, जबकि जो कोकोनट है और मैंगो है इनमें फ्लावरिंग कब आती है, 3 साल बाद। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो फ्लावरिंग होती है वो पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार होती है, जैसे कि बैम्बो ट्री है। बैम्बो ट्री में उसके पूरे लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग आते हैं और फिर उस बैम्बो ट्री की डेथ हो जाती है, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उन पे फ्लावरिंग सीजनल आते हैं, यानी कि हर टाइम बाद, हर कुछ टाइम बाद आते हैं। जैसे कि स्ट्रोबिलेंथस कुंठियाना है, जिसे हम नीला कुरुंज भी बोलते हैं, हर 12 साल बाद इस पे फूल आते हैं और काफ़ी सुंदर होते हैं, ब्लू स्ट्रिप्स होती हैं इस पे जो टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन ये हर 12 साल बाद आते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला साइड ज़्यादातर ये फ्लावर जो है वो देखा जाता है। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं और कुछ एनिमल होते हैं जो कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं। तो जो एनिमल जब तक उनका रिप्रोडक्टिव फेस कैरी ऑन रहेगा तो वो कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं, तो वो होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर। जबकि कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, उनको एक कंडीशन चाहिए होता है, फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है जिसमें वो रिप्रोड्यूस कर सके, तो उन्हें हम बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। तो सीजनल ब्रीडर के जैसे एग्जाम्पल है फ्रॉग, लिजार्ड, बर्ड्स, तो ये सीजनल ब्रीडर्स हैं। और एग्जाम्पल हम बात करें कंटिन्यूस ब्रीडर्स की, तो उनके जैसे कि मैमल्स हैं और डॉग, कैट, ये सब कंटिन्यूस ब्रीडर्स में आते हैं। अगर हम बात करें फीमेल के रिप्रोडक्टिव फेस के बारे में, तो दो तरह की साइकिल्स होती हैं फीमेल के अंदर। पहला है मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकेंड वन इज ऊस्ट्रस साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रिमेट्स के अंदर होती है, जो प्रिमेट्स एनिमल होते हैं एग्जांपल मंकी, एप्स एंड आल्सो ह्यूमन, वेयर एज ऊस्ट्रस साइकिल होती है नॉन प्रिमेट्स में। लाइक डॉग, काउ, शीप, टाइगर एक्सेट्रा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए इसको फर्दर 3 फेज में डिवाइड किया है। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड वन इज प्रोलिफरेटिव फेज, एंड थर्ड वन इज सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज। नाउ इन मेंस्ट्रुअल फेज द ब्लड फ्लोज इन लास्ट फ्यू डेज ऑफ द साइकिल, यानी कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वो ब्लड के फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, और इस फेज में जो कॉपुलेशन होता है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ना ही प्रेगनेंसी का चांस हो सकता। एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होती है, यूट्रस के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो प्रेगनेंसी के टाइम एज वेल एज मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के टाइम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ इन प्रोलिफरेटिव फेज द एस्ट्रोजन कॉजेज द लाइनिंग ऑफ यूट्रस टू ग्रो, यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो थिक होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो एंडोमेट्रियम
लाइनिंग थी वो ब्रेक डाउन हो गई थी, अब उसको दोबारा से रिजनरेट करने के लिए वो किस फेज में होती है, प्रोलिफरेटिव फेज में होती है। नाउ इन लास्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल दैट इज इन सिक्रेटरी फेज द एंडोमेट्रियम Now, in last phase of menstruational cycle, that is in secretory phase, the endometrium differentiate due to the influence of progesterone. यानी कि जो endometrium lining होगी उसका differentiation शुरू हो जाएगा और किसकी वजह से, progesterone hormone की वजह से। अब हम बात करें oestrous cycle की। तो ये non primates में होती है और ये menstrual cycle से कैसे differ है? तो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ दिनों के लिए होता है, लेकिन ये जो है ये कुछ घंटों के लिए होता है, जैसे कि काओ में 12 से 24 घंटों के लिए होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या था कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द फीमेल कांट परमिट कॉपुलेशन, जबकि ओस्ट्रस साइकिल में इसी फेज में ही, यानी कि ओस्ट्रस साइकिल फेज में ही कॉपुलेशन हो सकता है। थर्ड वन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लडिंग होती है, यानी कि जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है ब्रेक डाउन होती है तो ब्लडिंग होती है, जबकि ओस्ट्रस साइकिल में ब्लडिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है जब वो ब्रेक डाउन होगी तो वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाती है, इसलिए ओस्ट्रस साइकिल में जो ब्लडिंग है वो नहीं होती है। अब हम आते हैं अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक, यानी कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसके इवेंट्स भी तीन हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन से पहले के जितने भी प्रोसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि पहले गैमेट्स का बनेगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। दूसरा क्या होगा, जब गैमेट्स बन जाएंगे तो उनका ट्रांसफर होगा, यानी कि गैमेट्स का ट्रांसफर। जनरली क्या होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट जो होता है वो स्टेशनरी होती है। दूसरा इवेंट है इसका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, गैमेट्स का फ्यूजन। अब तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी प्रोसेस बचते हैं वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो क्या होगा, जब गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा तो फॉर्मेशन होगा जायगोट का, और फिर जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो, जिसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो जायगोट जो होता है वो सिंगल सेल होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियो कैसे बनेगा, जब सिंगल सेल का माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवीजन होना शुरू हो जाएगा तो एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस उसी को कहते हैं। तो ये है पूरा समरी इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब हम इसको थोड़ा और ब्रीफली आगे पढ़ेंगे। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले इवेंट, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के लिए गैमेट्स का बनना जरूरी है और गैमेट्स का ट्रांसफर होना जरूरी है। तो इसमें दो मेन प्रोसेस होते हैं, पहला है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। दो तरह के गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट का बनना, फीमेल गैमेट का बनना, इसी को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब जब गैमेट्स बन जाएंगे तो उनका ट्रांसफर होना भी जरूरी है। तो गैमेटोजेनेसिस में जब गैमेट्स बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि जो नॉर्मली सोमेटिक सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं, लेकिन जो गैमेट सेल्स होती हैं उनमें
जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो एन होता है, क्योंकि जो गैमेटोजेनेसिस होता है वो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। अगर हम बात करें गैमेट्स के टाइप्स की, तो गैमेट्स को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है आइसोगैमेट, दूसरा है हेट्रोगैमेट। तो जनरली क्या होता है, जो लोअर प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी, तो उनमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी कि हम बता नहीं सकते कि कौन सा मेल गैमेट और कौन सा फीमेल गैमेट है, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली सेम होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है क्लेडोफोरा, ये एक एल्गी का टाइप है। दूसरा अगर हम बात करें हेट्रोगैमेट्स की, तो हेट्रोगैमेट्स में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे से बिल्कुल वैरी करते हैं, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली भी अलग होते हैं, फंक्शनली भी अलग होते हैं। जैसे कि ये फीमेल गैमेट है ओवम, और ये दूसरा है एंथ्रोजॉइड जो मेल गैमेट है। अब ऐसे दूसरा एग्जांपल है हेट्रोगैमेट्स का होमोसैपियंस, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी स्पर्म मेल गैमेट है और ओवम फीमेल गैमेट है। तो हेट्रोगैमेट्स में क्या होता है मेजॉरिटी में कि जो मेल गैमेट होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और जबकि जो ओवम यानी कि फीमेल गैमेट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं। तो फिर जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि मेल गैमेट मोटाइल होते हैं तो ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाते हैं जब फ्यूजन होगा गैमेट्स का। अब इनके साइज की बात करें तो मेल गैमेट जनरली छोटे होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवम। तो मेल गैमेट को इसीलिए माइक्रोगैमेट्स बोलते हैं और फीमेल गैमेट को मैक्रोगैमेट्स बोलते हैं, और इसको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी के बारे में, तो ऑर्गेनिज्म की जो सेक्सुअलिटी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला यूनिसेक्सुअल और दूसरा है बायसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो अलग अलग पेरेंट में बनते हैं, यानी कि जो मेल गैमेट होगा वो मेल में बनेगा और मेल पेरेंट में बनेगा, और जो फीमेल गैमेट होगा वो फीमेल पेरेंट में बनेगा, उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। जैसे कि इसका एग्जांपल है कॉकरोच और ह्यूमन बींग, बहुत सारे एनिमल है क्योंकि मेजोरिटी में यूनिसेक्सुअल ही होते हैं। अब बायसेक्सुअल की बात करें तो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो एक ही पेरेंट में बनते हैं, उसे कहते हैं हम बायसेक्सुअल। जैसे कि एग्जांपल है अर्थवॉर्म, लीच और टैपवॉर्म, तो ये इसके एग्जांपल हैं। यूनिसेक्सुअल को हम डायोशियस भी बोलते हैं, और बायसेक्सुअल को हम मोनोशियस भी बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है हर्माफ्रोडाइट। अगर हम प्लांट्स के गैमेट्स की बात करें, तो प्लांट्स में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टैमिनेट, जो मेल गैमेट बनाता है पॉलन ग्रेन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पिस्टिलेट, जो फीमेल गैमेट बनाती है ओवा या फिर एग। गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट का ट्रांसफर होगा, तो मोस्टली क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो स्टेशनरी होता है। लेकिन एल्गी और फंजाई में दोनों ही गैमेट मोटाइल होते हैं। तो अगर हम बात करें गैमेट के ट्रांसफर होने की, तो कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है जिसकी वजह से जो गैमेट है वो ट्रांसफर हो सके। तो जो सिंपल प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफिलम है या फिर पेट्रिडोफाइट है या एल्गी है, इनमें क्या होता है, ये वाटर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं, यानी कि जो मीडिएटर होता है वो वाटर होता है। लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं
उनमें एक प्रोसेस होती है पॉलिनेशन। इसके थ्रू जो मेल गैमेट होगा पॉलन ग्रेन वो ट्रांसफर होता है फीमेल गैमेट के पास। अगर हम बात करें गैमेटोजिनेसिस में जो सेल डिवीजन होता है तो जो हायर प्लांट्स होते हैं मेजॉरिटी में उनमें मेयोसिस डिवीजन होता है यानी कि हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं। लेकिन कुछ जैसे एल्गी है या मोनेरा है इनके कुछ फैमिली में जो डिवीजन होता है गैमेटोजेनेसिस के दौरान वो माइटोटिक डिवीजन होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इनके जो पेरेंट होते हैं वो हैप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। तो मियोसिस डिवीजन जो होता है वो एक तरीके से काफी जरूरी है। अब क्यों जरूरी है एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम मेल और फीमेल पेरेंट हैं इनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे। ठीक। अब जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो जो जायगोट बनेगा वो 2n नंबर बनेगा यानी कि डिप्लॉयड बनेगा। अब कुछ क्रोमोसोम्स मेल और कुछ क्रोमोसोम फीमेल के हैं तो न्यू कॉम्बिनेशन बना है। इस क्रोमोसोम के न्यू कॉम्बिनेशन से कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं जो नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा। अब हम आते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे इवेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन यानी कि दो गैमेट्स का फ्यूज होना इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं। दोनों एक ही टर्म है, दोनों का मतलब एक ही है। अब फर्टिलाइजेशन जो होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इफ नो फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इट मींस नो प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जैसे कि रोटिफर्स हैं, लिजार्ड्स हैं, बर्ड्स हैं, जिनमें विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑफस्प्रिंग का रिजनरेशन होता है। उसमें क्या होता है जो एग सेल होते हैं यानी कि फीमेल गैमेटिक सेल्स होते हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिव का मतलब होता है वर्जिन और जेनेसिस का मतलब होता है क्रिएशन। तो बिना फर्टिलाइजेशन के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जनरेट होना या प्रोड्यूस होना इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते जैसे कि वेस्प, आंट, बीज, कुछ फिशेस और रेप्टाइल्स भी होती हैं। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइप्स की। तो फर्टिलाइजेशन दो तरीके से होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने गैमेट्स अपने बॉडी से बाहर प्रोड्यूस करते हैं और किसी मीडियम के थ्रू एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू जैसे कि वाटर फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे कि बॉनी फिश है और फ्रॉग्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। तो ये सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करते हैं। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो जिनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मैमल्स और कुछ एनिमल्स, ये सब इंटरनली फर्टिलाइज करते हैं। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन काफी बेनिफिशियल है इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब क्यों? क्योंकि इंटरनल जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइज करेगा तो जायगोट जो होगा वो बॉडी के अंदर ही बनेगा और जो पूरा फॉर्मेशन होगा या डेवलपमेंट होगा बेबी का वो बॉडी के अंदर होगा जिसकी वजह से जो कंप्लीट न्यूट्रिशन है वो मिलेगा और जो प्रोटेक्शन है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में रहेगी। जबकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बॉडी के बाहर रहेगा
तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होते हैं उनसे भी कुछ नुकसान हो सकते हैं, और जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होने वाले होंगे या जो जायगोट या एम्ब्रियो बनेगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज मोर बेनिफिशियल देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. नाउ लास्ट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद जितने भी प्रोसेस बचते हैं वो होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विच इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ये दो प्रोसेस होती हैं. अब पहले बात करते हैं हम जायगोट की. जायगोट एक सिंगल सेल होती है विच फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स. तो जब जायगोट बन जाएगा उसके बाद जो सिंगल सेल जायगोट है उसमें डिवीजन होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि एक सेल से दो सेल बनेंगे, फिर आगे फर्दर 4-8 ऐसे सेल्स का डिवीजन होगा, फिर डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद एम्ब्रियो पूरा बन जाएगा. तो जायगोट जो होता है डिवाइड करता है वो दो तरीके से करता है, माइटोसिस और मियोसिस. अब वो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल पर डिपेंड है कि वो माइटोसिस के थ्रू करेगा या मियोसिस के थ्रू. कहने का मतलब ये है जो ऑर्गेनिज्म हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल अकर करते हैं उनमें मियोसिस लाइफ सॉरी मियोसिस सेल डिवीजन होता है. क्यों? क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि हाफ होते हैं, तो इसीलिए मियोटिकली जो जायगोट होगा वो डिवाइड करेगा. जबकि जिन ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड फॉर्म में होते हैं तो वो माइटोटिकली डिवाइड करेंगे. अब आते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. सो व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि जायगोट से एम्ब्रियो का बनना इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस. अब जो एम्ब्रियोजेनेसिस है वो गैमेटोजेनेसिस से बिल्कुल अलग है. गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेटिक सेल इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. दूसरा मेन डिफरेंस क्या है? गैमेटोजेनेसिस में जो गैमेटिक सेल्स बनती हैं वो हैप्लॉइड फॉर्म में होती हैं, जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस में जो एम्ब्रियो बन रहा है वो डिप्लॉइड फॉर्म में होता है. तो ये दो मेजर डिफरेंस है एम्ब्रियोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस में. अब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में बॉडी के अंदर होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में बॉडी के बाहर होता है. तो जिन ऑर्गेनिज्म में बॉडी के अंदर होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट उन्हें हम बोलते हैं विवीपेरस, और जिन ऑर्गेनिज्म में बॉडी के बाहर होता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट उसे हम बोलते हैं ओविपेरस. तो ओविपेरस एनिमल्स में होता क्या है, ये एग ले आउट करते हैं. तो इस एग पे एक वाइट हार्ड कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं कैलकेरियस. कैलकेरियस शेल. तो ये जो शेल होगी ये अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करती है. तो ये ही होता है ओवी पेरस में. अब जैसे इसके एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल्स हैं कुछ और बर्ड्स हैं, तो वो ओवी पेरस में आते हैं. अब हम बात करें अगर एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, तो उनमें क्या होता है, जो जायगोट से एम्ब्रियो जो फॉर्म होगा यानी कि पूरा ये जो डेवलपमेंट होता है ये एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है. जब एम्ब्रियो बन जाता है उसके बाद जो फ्लावर के कुछ पार्ट्स हैं जैसे कि सीपल पेटल्स स्टैमंस ये सब शेड ऑफ हो जाते हैं और ओवरी चेंज हो जाता है फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड. अब कुछ वेजिटेबल या फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें जो सीपल होता है वो अटैच्ड रहता है यानी कि शेड ऑफ नहीं होता, जैसे कि एग्जांपल है ग्वावा ब्रिंजल और टमेटो. अब किसी भी फ्रूट में जो होती हैं वो तीन लेयर प्रेजेंट होती हैं जिन्हें तीनों को मिला के हम पेरिकार्प बोलते हैं. पहली लेयर एपिकार्प जिसे हम एक्सोकार्प भी बोलते हैं, आउटर मोस्ट लेयर होती है, हार्ड कवरिंग होती है. अब दूसरी बात करें दूसरी लेयर की मीजोकार्प,
मीजोकार्प बीच का पार्ट होता है जो फ्लैशी होता है, जिसे हम मोस्टली खाते भी हैं, तो उसे हम बोलते हैं मीजोकार्प। अब बात करते हैं लास्ट और जो सबसे अंदर लेयर होती है एंडोकार्प की, तो सीड के चारों तरफ जो लेयरिंग होती है उसे हम बोलते हैं एंडोकार्प। तो यहाँ खत्म होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर भी। Now, here are some questions which is related to this video. First one is, name the cyclic changes in ovaries of primate mammals. यानि कि primate mammals में जो changes होते हैं ovaries के अंदर, वो cycle का क्या नाम है? Second one is, name the another term of bisexual organism. Bisexual organism को हम और